Hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. सो बेसिकली टूडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन एम बी बस इन फ़िलिपींस लाइक इफ यूर कमिंग टू फिलीपीस स्टूडेंट इज कमिंग टू फिलपी द फर्स्ट थिंग दट इज गोइंग टू सर्च ऑन यूट्यूब इज़ एम बी एस इन फिलिपीस सो टॉपिक भी उसी पर होने वाला है तो लाइक like, जो भी लाइक like, आपके डाउट्स होते हैं मतलब वो आपको क्लियर कर दूंगा लाइक like, जो मिसकनसेप्शन होते हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं फिलीपींस में आकर एम करने के लिए एंड द थर्ड चीज़ एडवांटेजेस जो मतलब हर कोई कुछ भी लाइक like, खरीदते हैं या कुछ भी कहीं जाते हैं तो पहले हम जो देखते हैं वो एडवांटेजेस ही होता है ये नहीं कि क्या बुरा है वहाँ पैसे कोई पूछता है तो इसलिए मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब फिलीपींस जाने के बाद ऐसी लाइफ होने वाली है आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड ऑल दैट स्टफ तो रियलिटी कुछ अलग होता है लाइक ये नहीं कि हम जो सोचते हैं वही रियल में हमको मिलता है सो नाउ लेट्स गेट इन द वीडियो सो द फर्स्ट थिंग इज मिसकैप्शंस एंड बेसिकली जब हम कोई भी बच्चा फिलीपींस आता है जो मोस्टली मिसकनसैप्शंस होते हैं जो एजेंट्स बोलते हैं या फिर सीनियर्स भी कभी कभी बोलते हैं पर मेनली एजेंट से बोलते हैं मैंने जितना देखा है जो कि पहला है कि यू एस यू एस करते रहते हैं पता नहीं क्यों क्या है यू एस मतलब जैसे आप इंडिया कॉल इंडिया के कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो फिर आपको यू एस जाना हो तो उसके लिए भी यू एस एम एल ए देना पड़ता है तीन थ्री स्टेजेस वाला एग्ज़ाम तो फिलीपींस में भी वही सेम है कुछ फ़र्क नहीं है बस यू एस यू एस पता नहीं बस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ना ताकि ज़्यादा बच्चे जाएँ इसलिए करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है क्योंकि हाँ यू एस स्टडी बटन यहाँ पर जैसे कि टेंथ के बाद Uh, ये इंडिया में प्लस टू होता है और वहाँ पे प्लस फोर उसके बाद आप एम डी एम बी बी एस कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं कि आप uh, वहाँ पे पढ़ने के बाद आप आराम से ही जा सकते हो यू मतलब यू एस नहीं पर एग्ज़ाम देना पड़ता यू एस कोई भी हो मतलब फिलिपीन से हो इंडिया से हो तो ये मतलब एक मार्केटिंग स्कीम है और कुछ नहीं है और दूसरा चीज़ जो है वो है एनमेट से लेके लाइक बहुत सारे बच्चे जो इंडिया से फिलीपींस आते हैं वो बहुत डरते हैं एन से लेके पता नहीं क्यों और एजेंट मतलब वो भी बोलते हैं एनमेट के बारे में कि ईजी एंड ऑल दैट बट मतलब लाइक पेपर का लाइक लेवल अगर देखें तो मीडियम होता है पर बात यह है कि हमको नीट के तरह वहाँ पर भी लाइक फाइव ऐसे कट ऑफ नहीं जाता है बस फोर्टी परसेंटेज चाहिए ऐसा नहीं कि आप एक बार दे रहे हो आप आराम से लाइक पूरा आपका एम खत्म होने तक भी दे सकते हो ऐसा कोई सीन नहीं अगर आपका ए वी साइक में होते हुए एनमेट नहीं क्लियर होता है फिर भी आपका एनरोलमेंट हो जाता है एम डी एम बी के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फिर आपके पास चार साल है साल में दो बार होता है आराम से क्लियर कर सकते हो तो एनमेट के लिए भी अगर आप डर रहे हो तो ऐसा कोई बड़ी मतलब चीज़ नहीं है बीच में तो ऐसा हो गया था अगर आप फोर्टी परसेंटेज नहीं भी मतलब ला पाते हो बस अपियर करते हो तो भी हो जाता है तो एनमेट लाइक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप फिलीपींस में आना चाहते हो तो फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे तो मेनली डिसएडवांटेजेस जो है ना वो पांच है ठीक है तो पहला जो है मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं अगर आप पहले जाते हो ए वी साइक में आते हो तो पहला जो डिसएडवांटेज है ना वो ए बी साइकोलॉजी है लाइक वेस्टेज ऑफ वन ईयर कुछ नहीं है उसमें बस घूम घूम के भेज देते हैं इंटरव्यू लेने क्लास में बैठ के अलग अलग गेम खिलवाते हैं पी पी टी हाँ पी पी टी थोड़ा आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पी पी टीज बहुत देना होता है और जैसे हमारा लाइक like, क्या क्या ही बताऊँ छः सेम्स थे ए बी साइक में और चार होके ख़त्म हो गया बाकी ऐसे कैंसिल हो गया मर्ज कर दिया ऐसे और ए बी साइकोलॉजी में मतलब आपको बस क्या चिल्ली करो मतलब एक साल जितना घूमना है फिलीपींस घूम लो बेसिकली ये है मतलब एक साल में उतना कुछ नहीं होता लाइक इट्स टोटली अ वेस्टेज ऑफ वन ईयर फिर जो दूसरी चीज़ है वो है वीज़ा प्रोसेसिंग एंड दिस इज़ द शिट अबाउट फिलीपींस आई थिंक क्योंकि मतलब अगर आप काजिकस्तान या यूक्रेन देखो वहाँ पे जाते ही आपका पाँच साल या छः साल का जो भी टाइम पीरियड होता है उसका वीज़ा करा देते हैं वो भी यूनिवर्सिटी करा देता है मतलब लॉन्ग टर्म आराम से पाँच या छः साल का वीज़ा पर यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा बस एक साल का है मतलब एक साल का वीज़ा है और मतलब चलो वीज़ा प्रोसेस होने में एक महीने में हो जाता है एक या दो महीने में फिर उसके बाद प्र, प्रॉब्लम यह है अगर आपके पास ए कार्ड ना हो तो आप वीज़ा और पासपोर्ट के साथ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हो आपको ए कार्ड चाहिए फिर ए सी आर कार्ड आने में एक दो महीना लगता है पर मेरा चार महीना लगा था ए सी आर कार्ड आने में और पासपोर्ट लाइक आने में दो महीना तो छः महीना तो ऐसे लग गया तो बाकी के छ महीना क्या ही करूँ ए सी आर कार्ड के लिए तो ये बहुत घटिया चीज है मेरे को लगता है क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में मतलब मेरा तो लाइक दो बार हुआ है और ए सी आर कार्ड लाइक दो बार चार से पाँच महीने के बाद आया तो मेरे को इंडिया आना था तो इसलिए मेरे को फिर जल्दी करवाने के लिए अराउंड चार हज़ार या साढ़े चार हज़ार पैसों मीन्स वहाँ पर इमीग्रेशन में जा देख के जल्दी कराना पड़ा था तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है वेवर लेना पड़ता है ये किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा पर लाइक वीज़ा प्रोसेस तो बहुत घटिया एक एक साल का ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अचानक छुट्टी भी आ जाए ना अगर आपके पास ए या पासपोर्ट ना हो वीजा के लिए दिए हो तो आप जा ही नहीं सकते हो मतलब पर दैट इज़ वाट आई लाइक अबाउट लाइक यूक्रेन और अदर कंट्रीज क्योंकि वहाँ पर आपको सीधा छः साल का या पाँच साल का वीजा करा देते हैं तो इट्स अ बेनिफिट ऑफ फिलीपीन्स फिर थर्ड चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल्स क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम्स और यहाँ पे जो जनरली क्या है ना फोर्थ ईयर जो आखिरी में होता है इंटर्नशिप उसी में सब कुछ आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है जनरली और जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा बस एक ही बार हमको लैब लेके गए थे एक ही बार बॉडी मिला था और उसमें कुछ बताया भी नहीं इट तो वॉज लाइक कि हिस्ट्रो का पीरियड था और ऐसा था कि हम ही खुद करें क्या ही मतलब हमने पहली बार मतलब कभी देखा ही नहीं बॉडी जिंदगी में तो क्या ही कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और बेसिकली मैं ये अपना परपेचुअल में पढ़ रहा हूँ तो उसके एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ पर मेरे को जितना पता है देवा एंड ऑल उससे थोड़ा बेटर है पर इससे क्या ही बेटर हो सकता है मतलब इंडिया में तो सेकेंड ईयर में लाइक like, बच्चों को मतलब लेके हॉस्पिटल लेके आराम से पेशेंट्स दिखा के प्रेस्क्रिप्सन एंड ऑल लिखने के लिए मतलब बोल रहे हैं और हमारा ऐसा कुछ सीन है ही नहीं मतलब तो ये थोड़ा डिसएडवान्टेज है फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा होते हैं मतलब फिलीपींस में मतलब परपेचुअल कह लो या फिलीपींस कह लो लाइक जैसे अगर फर्स्ट ईयर के देख लो अगर पा छः सब्जेक्ट हैं मान लो तो अगर छः सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट का तीन लॉन्ग एग्जाम फिर फाइनल्स फिर तो बहुत सारा हो जाता है इंडिया में अच्छा है प्रॉफ वन प्रॉफ टू दो, दो सही है मतलब पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्स होते हैं मतलब एक सेम में चार महीना या पाँच महीना चलता है उसमें एक सब्जेक्ट का तीन लॉन्ग तीन लॉन्ग एग्जाम एक फाइनल्स ऐसे तो लाइक द क्वान्टिटी ऑफ द एग्जाम्स इज रिटेड हो मच और जनरली एग्जाम्स देने में दिन विन गुजर जाता है पूरा फिर उसके बाद आता है रेमिडियल्स पे बेसिकली यहाँ पे जैसे अगर 10 सब्जेक्ट हैं बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो रेमिडियल्स देने नहीं देते हैं. पता नहीं क्यों जैसे फर्स्ट ईयर का देखो तो एनी में देने देते हैं और हिस्टो में नहीं देते हैं रिमूवल्स देने के लिए पता नहीं एक एक चांस तो मिलना ही चाहिए यार क्योंकि अगर आप एक बार बैक लगता है तो सीधा छः महीना बैक लग जाता है और वो सब्जेक्ट का फिर फीस भी वापस देना पड़ता है तो एक रिमेडियल्स तो देना चाहिए क्योंकि क्या पता मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ उस बच्चे को या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए वो फेल हो गया हो तो वो भी एक दिक्कत है रेमेडियल्स का

को इंग्लिश नहीं आता है यहां का लोकल लैंग्वेज जो है तगलग ऐसा पर मतलब कोई सीन नहीं इंग्लिश आता है तो पूरा नॉर्मल है और जो दूसरा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर दैट इज़ द वेदर लाइक जो डिजीज़ पैटर्न है वो इंडिया से बहुत सेम है क्योंकि दोनों ही एशियन कंट्रीज़ हैं और ऊपर से यहाँ का जो वेदर है वो भी लाइक इट्स नॉट लाइक दैट एक्सट्रीम लाइक माइनस में जा रहा है या फिर प्लस फोर्टी फाइव फिफ्टी जा रहा है इट्स वेरी प्लीजेंट ओवे और लाइक तीस पैंतीस रहता है और शाम के टाइम बहुत अच्छा वेदर होता है कभी कभी बारिश भी हो जाता है और अगर फ्लड्स एंड ऑल या फिर सुनामी एंड ऑल वो भी आता है ना तो लाइक इट डजेंट अफेक्ट लास्ट पिनर्स अगर आप परपेचुअल देख लो इट डज अफेक्ट देयर और उसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जैसे इंडिया में साढ़े पाँच साल में एम खत्म होता है तो यहाँ पे टोटल चार साल होता है तीन साल पढ़ना फिर एक साल इंटर्नशिप और एक साल जो होता है ए वी साइकोलॉजी मैंने बोला था वो तो मतलब मज़े के लिए है मतलब चिल मारो फिलिपींस घूमो उसमें कुछ पढ़ाते नहीं है वैसे भी मेड के लिए जो ए वी साइक के कुछ सब्जेक्ट्स है, होते हैं होते हैं जैसे आ, आई टी पी यू टी एस और ऐसे ही होते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है तो बेसिकली चार साल में होता है तो ऐसा है यहाँ पे कि मतलब अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आई जस्ट आई सेट कि सिक्स मंथ्स बैक एंड द फीस ऑल्सो हैव टू पे सो ऐसा कुछ मतलब बड़ा चीज़ हो जाता है मतलब ऐसा नहीं कि चार साल को आप बैक लगा के बढ़ा रहे हो तो इसलिए पढ़ना पड़ता है पर उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है आराम से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता है मोस्टली नाइन्टी नाइनटी फाइव परसेंट बच्चों का तो क्लियर हो ही जाता है लाइक like, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है और कहिए नहीं कि पूरा ही घूमते रहोगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड डू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल